हजरत जाफर बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक अलैहि सलाम के सहाबी हैं। वो फरमाते हैं कि सहाबा में से एक सहाबी थे हजरत सिला बिन अशीम रदी अल्लाह ताला, बड़े इबादत गुजार थे, बड़े परहेजगार थे। फरमाते हैं कि जंग में मैं उनके साथ गया तो मुझे किसी ने बताया था, खास आदमी ने, कि वो सारी रात नमाज पढ़ते। हम तो खैर पढ़े तो खास आदमी को बताने की जरूरत ही नहीं, हम खुद ही बता लेते हैं कि मैं बड़ी पाबंदी से तहज्जुद पढ़ता हूँ, ये हम खुद ही बता लेते हैं। हजरत सिला बिन अशीम रदी अल्लाह ताला अन्हु किसी ने खबर दी कि बड़ा इबादत गुजार, तो जनाब जाफर बिन जैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते एक जंग में मैं उनके साथ था, मेरे दिल में ख्याल आया मालूमात तो करूँ किस तरह करके ये इबादत गुजार है, किस तरह इन्हें अल्लाह का कुर्ब मिला। फरमाते हैं जब सारे लोग सो गए ना, इबादत का अंदाज मुलाहजा फरमाइए, सब लोग जब सो गए, सब लोग लेट गए, रास्ते में पड़ाव किया था, ठहरे हुए, सब लोग सो गए, तो फरमाते हैं अचानक उन्होंने उठ के ना, जिस तरह इंसान देखता है, कहते हैं वो अपनी चारपाई से उठे, उन्होंने दाएं बाएं देखा, सारे सो गए। अब जब सब उन्होंने देखा कि लेट गए हैं, तो हजरत सिला बिन अशीम चुपके से उठे और फरमाते हैं वो पड़ाव किया हुआ था, जंग में हम जा रहे थे, रुके हुए थे, एक कोने में जाके तो उन्होंने इबादत शुरू कर दी। फरमाते मैं भी पीछे पीछे हो गया कि देखूं किस तरह नमाज पढ़ते हैं। फरमाते उन्होंने नफल पढ़ने शुरू किए, थोड़ी ही देर गुजरी तो एक शेर आ गया, जंगल का शेर। फरमाते वो उनके करीब आके बैठा तो मैं उस शेर को डर के दरख्त पे चढ़ गया, उससे डर के। फरमाते वो नमाज पढ़ते रहे, दो रक्तों का सलाम फेर के तो शेर के साथ बातें शुरू कर दी, कहने लगे जा जाके कहीं और जगह से अपना रिस्क तलाश कर, यहां तेरा कोई रिस्क नहीं, यहां तो अल्लाह के महबूब के गुलाम रुके हुए हैं, जा जाके कहीं और तलाश कर अपना रिस्क। कहते वो शेर रुखसत हो गया, लोगों के उठने से पहले पहले वो अपनी नमाज मुकम्मल करके दोबारा आके अपने बिस्तर पे लेट गए, और जब लोग उठे तो वो सबसे बाद में उठे फजर पढ़ने, थोड़ा देर से उठे चंद मिनट, ताकि लोग ये समझे कि ये नहीं जल्दी उठता, ये जरा देर से उठता है। फरमाते इस रंग में उन्होंने इबादत की। अच्छा, जब वो इबादत के लिए रात को गए तो उनकी उनका घोड़ा उनका सामान लेके कहीं गायब हो गया, वो मिल नहीं रहा। हजरत जाफर बिन जैद फरमाते काफिला रवाना हो गया, वो बेचारे रह गए, मेरा तो घोड़ा ले गया सामान, अब मैं क्या करूं। फरमाते हैं जब काफिला जरा आगे बढ़ा तो दौड़ के एक दरख्त के पास गए, मैं पीछे पीछे था, दुआ मांगने लगे, कहने लगे अल्लाह मेहरबानी फरमा, लोगों को नहीं पता मेरा सामान किधर गया है, तुझे तो पता है ना अल्लाह, तू तो जानता है ना, मेरा माल मुझे अता फरमा, मुझे वो अता फरमा दे। फरमाते उन्होंने दुआ की और दुआ करके चेहरे पे हाथ फेर के रुख फेरा तो उनकी सवारी सामान समेत उनके सराहने खड़ी थी, मौजूद थी। फरमाते मैं समझ गया कि इस शख्स ने इबादत की है, अब ये रब करीम के करीब चला गया।